तो दोस्तों हमारे पास ये करेक्टर है और ये करेक्टर मैं भी वीक करने जा रहा हूँ, जो एडवांस स्केलेटन एक टूल है। ये प्लगइन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, एडवांस स्केलेटन आप सर्च करेंगे तो एक बहुत ही सज्जन पुरुष ने ये जो बना के, ये प्रोफेशनल भी है, पेड भी है और ओपन सोर्स भी है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और लर्नर हैं तो आप उसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आते हैं हम करेक्टर में, तो यहाँ से मैं सेटअप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने क्लीनअप वगैरह करके रखा हुआ है तो आप एक बार री चेक भी कर सकते हैं क्लीनअप। फिर उसके बाद मॉडल चेक चेक मॉडल चेक, तो सब कुछ नीट एंड क्लीन है, कुछ दिक्कत नहीं है। फिर इसको हम कर देंगे सेव, ये सेव हो गया। और उसके बाद हम करेंगे न्यू सीन, फिर उसके बाद हम करेंगे रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर हम जाएंगे रिग के अंदर, डेस्कटॉप, न्यू करेक्टर रिग ऑल, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ कि ये जो मैंने सेव किया है न्यू रिग, डेस्कटॉप न्यू रिग के अंदर करेक्टर रिग, मिनट, डेस्कटॉप न्यू रिग कॉपी एस पाथ। और अभी आते हैं क्रिएट रेफरेंस, कंट्रोल वी, इंपोर्ट, ऑल फाइल, तो ये हमारा आ गया है करेक्टर। और इसके अंदर इनर माउस, टंग, सब कुछ है। चलो नेक्स्ट जो हमारा है बाईपैड, इंपोर्ट इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, इसको पकड़ो, नीचे लेके आ जाते हैं इतना, और इसको पकड़ के हम सही पोजीशन पे लेके आते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, और डी होल्ड करके मैं इसका पोजीशन फिर से रीसेट करता हूँ। ये इधर कहीं पे होना चाहिए, बहुत फास्ट। इसका पोजीशन होना चाहिए, डी होल्ड करें और इसको मूव करें, कंट्रोल जेड, डी होल्ड करके रखना है डी, और ये कहीं यहाँ पे होना चाहिए और इसका पोजीशन में भी यहाँ पे होना चाहिए। अभी आते हैं फिर से इस पे, तो ये सही पोजीशन पे, यहाँ कंट्रोल जेड डी, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और पूरे वॉल्यूम में पूरा जब जहाँ जहाँ पे जो है उसमें इसके ट्राई करो एकदम बीच बीच में ही रहे, इधर उधर ना जाए ज़्यादा। डी, तो यहाँ सेंटर है मैस, फिर से डी होल्ड करना है, फ्रंट, ये आपका कॉलर बोन है तो कॉलर बोन यहाँ से होना चाहिए और हैंड यहाँ से कहीं से, तो ये ठीक हो गया। ये आपका नी का एरिया है, नी यहाँ पे मैंने रख दिया। इधर से आ जाते हैं, ये रिस्ट, ये
डब्ल्यू थोड़ा रोटेट, प्रॉपर प्लेसमेंट करते जाएं, ये सही है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा बोन है, हैंड में ही आपको ये फिंगर्स में जो टाइम लगने वाला है लगने वाला, बाकी सब कुछ तो मतलब स्मूथ हो जाता है, बस फिंगर का प्लेसमेंट वगैरह थोड़ा सा टाइम टेकिंग का काम है, और टाइम टेकिंग का नहीं है ये, जो जिनको रिगिंग के बारे में पता है उनको आइडिया होगा कि ये सब प्रोसेस बड़ा लेंदी और लंबा प्रोसेस होता है, लेंदी नहीं कह सकते, लंबा प्रोसेस होता है। तो ये आपको मैन्युअली नहीं बनाना है, और ऐसा नहीं कि हम मैन्युअली बना नहीं सकते, मैन्युअली बन जाएगा, बट जिनको रिगिंग नहीं पसंद होता उनके लिए बहुत प्रोसीजर बहुत अजीब सा लगेगा और बहुत लेंदी लगेगा, इसलिए मैंने ये प्लगइन यूज़ किया है, और इस प्लगइन के थ्रू आप बहुत आसानी से बना सकते हैं ये, मतलब आपने जो भी करेक्टर बनाया है उसको आराम से आप रिग कर सकते हैं और उसको चला सकते हैं, मतलब आपका कैरेक्टर लाइव हो सकता है, उसको लाइव करने के लिए आप इसका हेल्प ले सकते हैं इस टूल का, और चाहे तो मैन्युअली भी कर लें, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्विक रिग भी है जो बहुत बेसिक बेसिक आपको अगर रिग चाहिए तो क्विक रिग करके एक टूल है अपने माया में जिसका हेल्प ले सकते हैं आप, अगर आपको कुछ पोज वगैरह बनाना है तो जो भी मॉडल करते हैं तो टी शेप में ही मॉडल करें, जिन्होंने मॉडल जिनको करना है तो टी शेप में ही करें, बाद में आप उसको मिक्समो करके एडोब का है वहाँ से आप एनिमेशन इंपोर्ट करके आप पोज दे सकते हैं, पर अगर आप उस पोज में ही मॉडल कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अगर आप मॉडल कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये अभी इधर हो गया, अभी आ जाते हैं हेड वाले सेक्शन की तरफ। तो ये है मेरा जॉ, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये मेरा जॉ लाइन है, इस जॉ का बोन होना चाहिए यहाँ। ये है मेरा आई, तो आई के लिए तो ये मैंने लगा दिया आई पे। अभी हम फटाफट एक बार रीचेक कर लेते हैं हमारा जो भी है, यहाँ पे जाएंगे आप सेटिंग के अंदर वाय एक्सरे ज्वाइंट करके रखो, अभी एक बार रीचेक कर लो प्रॉपर कि जो हमने बोन सब सेट किया है वो उस जगह पे ही है जहाँ पे हमको चाहिए, या फिर कुछ इधर उधर है। तो ये रख लिया हमने, फिर इधर आ जाओ, पहले पोल वेक्टर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पोल वेक्टर मिल जाएगा, पोल वेक्टर ऑन करके देख लो, इस पोल वेक्टर्स हैंड का सही है, फुट का सही नहीं है, तो डी होल्ड करो और इसका प्लेसमेंट थोड़ा सा सही करेंगे। डी ये चलेगा, ये पोल वेक्टर हाइड करके रखो। अभी हम करेंगे रीसैंपल, फिर उसके बाद आते हैं फिट मॉडल, इसके बाद अपडेट, इसके बाद बिल्ड एडवांस स्केलेटन। कुछ समय लेगा तो वेट करें। तो ये आपका पूरा बोन का स्ट्रक्चर वगैरह ये
अभी ये जो बड़े बड़े कंट्रोलर्स दिख रहे हैं इनको हम बाद में जाकर भी छोटा कर लेंगे, वो अभी मेरे लिए ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पोल वेक्टर है वो पोल वेक्टर इधर है, और पोल वेक्टर होना कहाँ चाहिए, आगे की तरफ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो अभी मैं फिर से कंट्रोल जेड करूँगा और ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को मैं डी होल्ड करके, डब्ल्यू डी, और इसको थोड़ा सा और पीछे, ये पीछे। अभी वन मोर टाइम ट्राई करेंगे। तो अभी फिर से बिल्ड करते हैं, बिल्ड एडवांस स्केलेटन। तो ये अपना सेटअप रेडी हो गया। अभी आ जाते हैं हम इधर, ये हमारा हो गया। अभी ये जो है, अभी हमको करना है केज, तो यहाँ से केज क्रिएट करें, क्रिएट केज। तो ये पूरा केज बनाएगा जिसे हम अभी वेट करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जैसे ये केज कंप्लीट होगा यहाँ पे आपके पास लेयर भी आ जाएगी। तो इस केज को प्रॉपर आपको स्केल कर उसके अंदर डालना है, दो तरीके के। यहाँ पे एक और सब डिवीजन भी रहेगा, एक तो ये है जिससे आप कर सकते हो, और अगर और ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो इसके अंदर यहाँ पे एक लेयर में हाइड है वो भी रहेगा आपके पास, तो उससे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से वन बाय वन प्रॉपर। सब फिंगर्स के भी फटाफट कर देते हैं हम। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसी के हिसाब से फिर आपके कैरेक्टर के अंदर जो वेट पेंट होगा, जो डिफ़ॉल्ट पेंट लेगा वो इसके थ्रू ही लेने वाला है। तो जब भी आप ये कर रहे हैं थोड़ा ध्यान से और जल्दबाजी ना करें, इसमें आराम से करें। तो वन साइड का आपको कंप्लीट करना है और ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। एक किसी भी एक साइड को आपको करना है, दूसरा आप यहाँ से लेफ्ट राइट जो भी रहेगा वो मैनेज कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं इधर नेक की तरफ, फोर प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पे है हेड का। ठीक है, तो ये हमने बनाया है लेफ्ट टू राइट शायद है मे भी। तो ये सब अभी आप देख पाएंगे कि ये सब फिट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और, ये बोन कायदे से इधर लेके आना था, जल्दी जल्दी मैंने इसको इधर रख दिया। खैर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल एस, फिर आ जाते हैं अपना नेक्स्ट जो स्टेप है कॉपी वेट। ये तो कॉपी वेट एक्चुअल में करता क्या है, ये जो आपने ज्योमेट्री बनाया ना, ये बॉक्स केज बनाया हमने, इस केज पे वेट है, इस वेट को ये कॉपी करके आपके जियो पे पेस्ट करने वाला है। तो इसके लिए आपको आउटलाइनर के अंदर जाना है, आउटलाइनर के अंदर आप ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जियो देखो आप, केज, ये यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर मैस केज,
ये जितना भी मैस है ना, इन मैस को पकड़ना है बोन को, और यहाँ से कर देना कॉपी वेट। अभी ये क्या हो गया, अब आपका एक बेसिक रिग तैयार हो गया। अगर आपको पोज वगैरह चाहिए तो आप इससे दे सकते हैं, और ये आपका रेडी हो गया फर्स्ट। अभी आप देखोगे तो ये आपका पूरा करेक्टर रिग है। केज वगैरह भी हाइड कर देते हैं, ये सब अभी बंद कर देते हैं, केज नहीं चाहिए। इन सबको हम छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आपको यहाँ इसके सब टूल के अंदर आना है और इसको से अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा फेस सेक्शन है, वहाँ पे आते हैं हम, जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। तो अभी हम आ जाते हैं नीचे की तरफ फेस के सेक्शन में, तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फेस बताना है आपको, तो सो नन सो पॉलीगन्स, और यहाँ से पॉली ऑन करके रखें राइट साइड, आइसोलेट फेस, तो ये थोड़ा सा और बड़ा एरिया ले लेता हूँ। और इसको भी माइनस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, हमारा मास्क हो गया फेस। डब्लू आइसोलेशन से बाहर आ जाओ। फिर उसके बाद आना है फेस पे, तो फेस पकड़ेंगे फेस। ऑल हेड, ऑल हेड मीन्स आई टीथ वगैरह सब। तो ये ऑल हेड ऐसे पकड़ते हैं, इसको हम कर देंगे ऑल हेड। राइट आई, राइट आई, फिर दिस वन लेफ्ट आई। फिर उसके बाद आते हैं, इनको डालते हैं लेयर के अंदर। ये लेयर ऑलरेडी है, बट वन मोर लेयर और क्रिएट करना है। तो ये अपर टीथ, अपर टीथ, लोअर टीथ, टंग। फिर उसके बाद आ जाते हैं आईब्रो पे, तो आईब्रो। फिर उसके बाद है आई लेसेस, हमारे केस में है नहीं, एक्स्ट्रा अगर बियर्ड वगैरह है तो वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं इधर नीचे की तरफ आईबॉल, क्रिएट आईबॉल, ओके। इसको थोड़ा सा मैं इसका प्लेसमेंट चेंज कर देता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट एकदम सेंटर का जो भी रहेगा वो लेना है आपको, तो यहाँ से अभी ये थोड़ा समय लेगा, तो डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप करते जाएं। डन। चल, मैं ये जो बनता है वो सरफेस से बनेगा, तो आपको सरफेस ऑन करके रखना पड़ेगा ताकि आप उसको देख पाएँ। उसके बाद है आपका इनर, तो इनर के लिए मैं ये ले लेता हूँ। ऐप प्रेस करो, एफ, ये सही है, इनर, इट विल टेक अ सम टाइम। नेक्स्ट जो अपना ईयर का हो जाएगा, फिर माउथ वाले सेक्शन पे आएंगे हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट नोज़ के सेक्शन पे आएंगे, और वन बाय वन बिल्ड करेंगे, देखते हैं। अभी जो असिस्ट है, असिस्ट का मतलब कि अंदर का एज आपको लेना है, इसके लिए आप असिस्ट करें, तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा। अभी
तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा। दूसरा, अब आते हैं अपन लिप्स सेक्शन के अंदर। तो ये मेरा आउटलाइन है, शायद ये रहेगा। तो ये फर्स्ट, ये भी कुछ समय लेगा, थोड़ा वेट करें आराम से। फिर सेम आई का जैसा ही है ये भी, तो इसके अंदर का जो भी रहेगा। फिर इसमें भी सेम वैसे ही असिस्ट करना अपने को, उसके अंदर का इनर एक एज बताना है। नेक्स्ट जो आ जाएगा अपना आईब्रो वगैरह का है, वन बाय वन अपन करते चलेंगे। नेक्स्ट असिस्ट के अंदर जाना है आपको, और ये एज ले लेते हैं। थोड़ा अंदर का एज मैंने लिया ताकि जो फेशियल एक्सप्रेशन है और बेटर आए, क्योंकि अगर यहाँ तक लेंगे तो इधर का उसका इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा उसके पास कि क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। कंट्रोल एस कर लिया मैंने। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टैब है हमारा वो है आईब्रो का। तो फर्स्ट, फिर है आपका लास्ट, फिर आपका है मिडिल। एकदम मिडिल होना चाहिए, ये मिडिल पे हमने लगा दिया। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, वन टू थ्री। नेक्स्ट ये क्या है, अभी आपको वर्टेक्स पकड़ना है, वन टू थ्री, और उसके बाद आपको फॉरहेड सेलेक्ट करना है। तो जब भी आप ये करें तो ध्यान रखें कि ये जो लाइन है ना, इसी लाइन के हिसाब से आपको पकड़ना है। एक ये लिया मैंने, और एक यहाँ पे, और ये भी शायद बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको हम रखेंगे यहाँ तक। और ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो उसको लेके आ जाएंगे हम इधर तक। अभी इसको और हेड कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट जो है आपका, अभी फटाफट जाओ नेक्स्ट चिक जाओ। फिर जाओ, फिर नेक्स्ट जो है हमारा थ्रोट, थ्रोट भी आप यहाँ से बहुत प्रॉपर सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये रहा थ्रोट। नेक्स्ट जो है चीक, तो ये मैं रखता हूँ चीक। फिर नेक्स्ट चीक बोन, बस आपको कुछ करना नहीं है, बस ऐसा है वन बाय वन जो भी प्रोसेस है। रेफरेंस इमेज आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे मिलेगा, आपको बस उस जगह पे उस पॉइंट्स को पकड़ना है। पॉइंट्स को पकड़ो, थोड़ा समय इसको बाहर यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। नोज राइट साइड टॉप जस्ट बगल में है, ये आपका नोज का हो गया। नेक्स्ट जो है आपका
ये एरिया है, इसको एक बार चेक कर ले कि ये लाइन सेम होना चाहिए। अभी ये इधर आ गया, फिर उसके बाद जो है हमारा ये है वो एरिया, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ फटाफट। और यहाँ पे कहीं पे ये है, इसके बाद ये रहा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पे कहीं पे शायद ये होना चाहिए। ठीक है, ये सब मैंने लगा दिया। अभी उसके बाद आते हैं टंग के तरफ। तो टंग को पकड़ने के लिए आपको ऐसे टंग पकड़ना है और इस टंग पे अप्लाई करेंगे। अभी शो ऑल करो तो यहाँ पे आपको बहुत सारा लोकेटर मिल जाएगा, ये लोकेटर आपको सेट करना है। ये वन डब्लू, इसको यहाँ पर रखते हैं और ये इधर और ये इधर, ये इधर, इधर थोड़ा पास पास में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है लोकेटर की। तो ये थोड़ा सा और आगे इनका प्लेसमेंट कुछ ऐसा कर लो। अभी आते हैं नेक्स्ट स्टेप, कंट्रोल एस, सेव करते चले फाइल। आ जाते हैं, अभी टंग हो गया अपना, अभी आते हैं इधर। तो आइसोलेट करता हूँ मैं, दो है अपने पास। तो फर्स्ट वन में हम इस एज को दे देते हैं और लास्ट में हम इस एज को दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ये ऑप्शनल है, इसको मैं नहीं रख रहा हूँ, आप अगर चाहें तो रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल एस, आइसोलेशन से बाहर आ जाएं। अब आते हैं नेक्स्ट, जो अपना एलिट वगैरह का तो नहीं है अभी, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन बिल्ड करना। तो बिल्ड, अगर आप वन बाय वन बिल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपका ये सब कुछ प्रॉपर है अगर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सब कर लेगा। तो एक बार पहले ये ट्राई करते हैं कि अगर कुछ एरर नहीं रहेगा तो बिल्ड हो जाएगा, अगर इनकेस कुछ एरर आता है तो फिर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर आगे चलेंगे। तो ये थोड़ा समय लेगा, डोंट वरी, आराम से पेशेंस रख के बैठे, ये सारा अपना काम करता रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना काम अच्छे से किया है, मीन्स कि आपने मॉडल अच्छा बनाया, क्लीनअप प्रॉपर है, सब कुछ हर एक चीज़ हर जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे आपने रखा हुआ है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सारा कुछ कर देगा।
स्किनिंग का थोड़ा सा काम रह जाता है 40% के अराउंड, तो वो जो खास खास अपना एरिया जैसे नीज का एरिया, बोथ नीज, लेग एंड हैंड, तो वहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा स्किनिंग करना पड़ सकता है। नेक में भी हो सकता है, करना पड़ सकता है। फुट में हो सकता है, करना पड़ सकता है, या फिर ट्विस्ट वगैरह का। बाकी ऑलमोस्ट ये सब कुछ कंप्लीट करके देता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस तरीके से ये एक पूरा जर्नी है, जीरो से लेके एक लेवल तक। अभी इसका वॉक साइकिल वगैरह कुछ बनाएंगे, इसमें वैसे वॉक डिजाइनर है इसके अंदर, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर जस्ट क्लिक कर दें तो वो सारा कुछ क्रिएट करके आपको दे देता है, वॉक, फीमेल वॉक, मेल वॉक और अदर जो वॉक हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो अभी इस प्रोसेस के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको टेस्ट करना आपके कैरेक्टर के रिग को, कि जो रिग हुआ है प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है, क्या क्या और करना है या फिर नहीं करना है, जो भी है। और कमाल का टूल बनाया है जिसने बनाया है, इससे इतना पेन कम हो गया मतलब इंडस्ट्री का, कि जो काम करने में हफ्तों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे, वो बस एक बटन क्लिक करने के बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब प्रोसेस हो रहा है भाई। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वो टूल अपना काम कर रहा है। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस जो कि कंप्लीट हो चुका है। अभी नाउ यू कैन चेक फेशियल एक्सप्रेशन, ये तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी साउंड जो हम निकालते हैं आ ई ओ या फिर जो भी हम बात करते हैं, तो वो इसी से कहीं ना कहीं रिलेट होता है। और सबसे बेस्ट जो इस टूल का एडवांटेज आपको मिलता है कि आपको जब आप एनिमेशन कर रहे होते हैं तो आपको हैप्पी करना है, तो आपको आइडिया नहीं होता कि कैसे हैप्पी कैसे करें करेक्टर को, आईब्रो कहाँ करें, या फिर जो भी फेशियल जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ड करके रखा हुआ है, आपको बस स्लाइड को ड्रैग करना है, मतलब जस्ट एनिमेट करना है। आप इसको एनिमेट करेंगे और सब कुछ ये
एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा, अभी आप ये देखो कितना स्मूथ ये आईब्रो का है आपका, ये आपके आई का है, ये आपके चिक का है, चिक पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, नोज़ का ठीक है, माउथ ठीक है, ये राइट लेफ्ट, ये आपके आई का। तो अभी हम इसका थोड़ा सा और करेक्शन कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जाके इनको स्केल कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा है, तो इन सबको छोटा कर लेंगे। फिंगर्स का नहीं भी करेंगे तो चलेगा, पर ये सबको फटाफट छोटा कर लें। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं इनको पकड़ के, तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने मैनेज कर लिया है। अभी फिर से हम आ जाते हैं इधर और एक बार चेक कर लो आपने जो भी किया है वो एनिमेशन करते समय, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको एफ के आई के का स्विच, तो यहाँ पे स्विच है आई के एफ के का, तो आप सॉरी इसके अंदर मिल जाएगा आपको आई के एफ के स्विच। तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें ऐसे प्रॉपर, और इसमें भी आपको स्विच मिलेगा। तो ये आई के का स्विच ऑन कर लिया मैंने, अब इनको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, बस थोड़ा बड़ा बस। तो ये है हमारा करेक्टर रिग जो कि रेडी हो चुका है। मैं एक बार कंट्रोल एस कर ले रहा हूँ। अभी आप जाएंगे टूल डिजाइनर के अंदर, टूल्स के अंदर जाएंगे, वॉक डिजाइनर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये टूल्स के अंदर यहाँ पे वॉक डिजाइनर है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ जो वॉक बने हुए हैं आप वहाँ से चेक कर सकते हैं आपके करेक्टर को कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ पर आपको स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत स्किनिंग का तो रहता ही है, आपको वो करना पड़ेगा। तो अभी मैं वॉक एंग्री, वॉक कूल, वॉक कूल अभी करता हूँ और इसको मैं प्ले कर रहा हूँ। तो अभी आप जो देख रहे हो यहाँ पे है प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम किस वजह से हो सकता है अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। इसको भी मैं आई के ये कहीं ना कहीं स्विच हो रहा, तो आप इसका वॉक यहाँ से डिजाइन करके देख सकते हैं। तो बहुत सारा वॉक है, तो ये आप चला के भी देख सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात है इस टूल की वो है उसका जो फेशियल का जो कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत स्मूथ और बहुत प्रॉपर आपको फेशियल करके देता है। तो ये हमने अभी तक मॉडल किया, फिर उसमें हमने टेक्सचर किया, अभी हमने रिग किया। तो ये किसी भी प्रोडक्शन का पाइपलाइन जो होता है उसके हिसाब से हमने सब कुछ किया है। तो अभी एनिमेशन करना होगा, मान लो आप
कुछ एलिमिनेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार जाके यहाँ यस प्रेस कर देंगे तो अभी की लग गया, अभी की लग गया तो आप यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ये तो ये अलग अलग आप इसके शेप्स बना सकते हैं। तो ये अगर नहीं चाहिए तो सबको पकड़ो, राइट क्लिक, शिफ्ट होल्ड राइट क्लिक, डिलीट। ये है अपना करेक्टर का जो भी था हमने जो बनाया है।